नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला पुरुष का वेश धारण करके नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करती थी। जब पुलिस ने उस महिला के घर पर छापा मारा और उसके पति से पूछताछ करनी चाही, तो पति ने शर्मिंदगी की वजह से तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। ये मामला तब प्रकाश में आया जब 17 वर्षीय लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने प्रकाशम जिले के SP सिद्धार्थ कौशल को बताया कि किशोर रेड्डी नाम के युवक ने उसके साथ यौन शोषण किया है। बच्ची की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच में जुट गई। तब जाकर पुलिस को पता चला कि आरोपी किशोर रेड्डी एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। वो छोटे बाल कराकर और पुरुषों का वेश धारण करके रहती थी। पुलिस ने जब आरोपी महिला के घर छापेमारी की तो उसे एक सेक्स टॉय से भरा बैग मिला। वह पहले नाबालिग लड़कियों को अपना दोस्त बनाती थी, इसके बाद उनका शारीरिक शोषण करती थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।